मम्मी के हाथों का खाएंगे हम। वाह मम्मी, और यहाँ गिर भी गई है मेरी मम्मी की चाय। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। और आपको पता, आज कोटद्वार में इतनी तेज बारिश हो रही है, सुबह से हो रही है आज, मतलब 6-7 बजे से हो रही है इतनी तेज बारिश। और अभी बज चुके हैं 11, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। देखो, मैंने तो स्वेटर पहन लिया, इतनी ठंड लग रही है एकदम से, मौसम चेंज। आप लोगों ने सारे मेरे ब्लॉग देखे होंगे कि मैं रामलीला जब जाती थी तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दिन भर की बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही ना आज कोटद्वार में। और अभी मैं अपनी छत के सामने ही हूँ, ये हमारी छत है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ छत में जाके बारिश में एंजॉय करके कितनी तेज यहाँ पे बारिश हो रही। पहाड़ भी नहीं दिख रहे, एकदम धुंध हो गई है। मैं आप लोगों को चलो दिखाती हूँ चुका, क्योंकि मोबाइल गिल्ला हो सकता है, साथ में बारिश भी हो रही है। तो आप लोग मौसम देख सकते हैं कितना भयंकर हो चुका है, एकदम ख़राब। और आसमान देखो आप लोग, पूरा काला हो चुका है। और ये बिन मौसम बारिश है, गर्मियों के मौसम में इतनी तेज़ बारिश देखी आपने हमारे यहाँ कोटद्वार में हो रही है। देखो कैसा हो रखा है पूरा यहाँ पे मौसम, ये देख सकते हैं, ये रहा पूरा मौसम यहाँ हमारे घर की तरफ का। और आगे की तरफ यहाँ पे पहाड़ है, वो भी नहीं दिख रहा, उस साइड गांव है ना, तो वो भी नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रखी है। ये देखो आप लोग, वो देखो पहाड़ दिख रहे होंगे आप लोग, कितने धुंध से पूरे यहाँ पे गायब हो रखे हैं, ये देख सकते हैं। और इधर भी देखो आप लोग कैसा हो रखा है मौसम, हमारी पूरी छत दिख गई है। तो छत तो चलो साफ़ हो जाती है बारिश के मौसम में, बट ऐसी बिन बुलाई जब मौसम होती है ना, इसमें ना तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि अभी धूप है और एकदम से बारिश हो जाती है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे जो आम का पेड़ है, इसमें बौर भी आ चुके हैं बारिश की वजह से, आधे से ज़्यादा सब निकल गए, देखो पूरे नीचे गिर गए, पत्ते भी है और साथ में बौर भी पूरे झड़ चुके हैं। और इधर देखो, और वहाँ पे गेहूँ भी दिख रहे होंगे आप लोगों को, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे गेहूँ रख रखे हैं, तो गेहूँ भी ख़राब हो सकते हैं बारिश की वजह से, क्योंकि बिन भलाई मौसम है उस वजह से। ये देखिए हमारा खेत है पूरा मस्त करके भीग चुके, फिर हम सबके सब बारिश के मज़े लेते हैं छत में। मेरे को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा छाता टक गया है यहाँ पे। हाँ, जब स्कूल में जाते थे ना तो कितना मज़ा आता था बारिश में ना दोस्त लोगों के साथ। आज बारिश के मौसम में मम्मी को बोलूँगी मम्मी कुछ बना दे, या तो पकौड़ी बना दे, गुलगुले बना दे, या तो हलवा बना दे, बारिश में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बारिश कैसे हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी जैसे रामलीला के समय, जैसे सुबह हो जा रही थी बारिश, फिर शाम को हल्की हो रही थी। आज तो पूरी दिन भर की कसरत निकाली बारिश ने कि आज तो फिर मैं पूरे दिन होगा, एकदम से यहाँ मौसम ख़राब हो चुका है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी छाते की, हल्की हल्की से आ रही होगी आवाज़, कितना बारिश का मौसम हो रखा है, एकदम से ठंड हो गई। और मैंने तो स्वेटर इनर सब पहन दी, मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल से मेरा खांसी जुकाम ठीक हो रखा है, इस बार नहीं होने देना है। तो ये देखो आप लोग मेरे पीछे कैसा आ रखा है सीन, ये मेरे घर का बैकग्राउंड देखो आप लोग, कि हमारे घर की तरफ ऐसे ना लोगों की ज़मीन वगैरह है, घर वगैरह है, तो ऐसे दिखता है मेरी छत से। ये पूरा मोहल्ला देखो आप लोग यहाँ मेरा, और पहाड़ भी देखो साथ में। और चलो अब चलते हैं नीचे, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलाती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरी तरह सबने स्वेटर पहनी कि नहीं पहनी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंडी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ठंडियों का मौसम ही आ गया होगा, बारिश का मौसम, बरसात का मौसम आ गया होगा मार्च के महीने में। ये देखो आज तो मौसम ने पूरा ही चेंज कर दिया, उसने बोला कि आज मैं बरसात का मौसम लेके आता हूँ, तो मान ले या तो ठंडी होगा मौसम, ठंड भी लग रही है बारिश भी हो रही है। सुबह इतनी बिजली कड़क रही थी ना, बिजली बहुत ही ज़्यादा कड़क रही थी सुबह के समय, कि हम लोगों ने जो टीवी के तार वगैरह थे सब चीज़ के, तो तार जो मेन तार होते हैं वो सारे निकाल दिए थे। तो चलते अब, तो यार मेरा छाता भी भीग गया ही, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा है काफ़ी टाइम बाद। मैं यहाँ पे गेट बंद कर देती हूँ, नहीं तो जो सारा पानी अंदर की तरफ आ जाएगा ना। चुकी हूँ अब छत से, और कम से कम यहाँ एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है या 5 दिन हो चुके हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो आज फाइनली इतनी तेज़ बारिश आ गई ना कि आज पूरे दिन की आज बारिश ही बारिश है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ स्वेटर वगैरह तो पैक कर रखा है मैंने अपने पूरा, आप लोग भी जो कोटद्वार वाले हो पूरे पैक रहो, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है कोटद्वार में भी से। और आज का हो चुका है ब्लॉग स्टार्ट, हम लोग नहीं भूलेंगे जय भोलेनाथ। तो चलते हैं, मम्मी फैमिली सबसे मिलाती हूँ मैं आप लोगों से, और मम्मी को बोलती हूँ जरा आज कुछ बना दे, आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है ठंडा सा। तो चलते हैं, मिलाती हूँ मैं आप लोगों को सबसे, लोग अपनी फैमिली मेम्बर से मिलाती हूँ। तो कहाँ है सबके साथ? तो ये रही मम्मी, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हाय, हेलो,
यक मम्मी आज छुप गई है यहाँ पे। मम्मी आज बहुत ठंडा हो रखा है, ठंड लग रही है, ठंड बहुत ज्यादा ठंड। मम्मी ने भी देखो मेरे तरह स्वेटर पहन चुकी है। हाँ कुछ बना दे, कुछ विचार, हलवा कुछ 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 खाने का मन कर रहा है, कुछ बना दे मम्मी। पकौड़ा चकौड़ा मम्मी बनाएगी, मम्मी के हाथों का खाएंगे हम। मम्मी अच्छा बनाती है, इच्छा तो हो ही रही है। यस तो मम्मी आज क्या बना रही है? पकौड़ी। चलो बढ़िया, तो आज हम लोग खाएंगे पकौड़ी बारिश के मौसम में। तो चलते हैं, प्याज के आलू के किस चीज के? प्याज ही प्याज के। चलो उर्वशी के लिए आलू के। हाँ ठीक है, उर्वशी को आलू के पसंद है, हम लोग को प्याज के। थोड़े थोड़े मम्मी बना देगी। चलो चलते हैं फिर अब किचन में। चली गई है किचन में प्याज काटने के लिए। तब तक मैं आप लोगों को बालकनी में दिखा देती हूँ कि बालकनी में कैसा है मौसम। तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सो हो गया ना, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देख सकते हैं अभी मैं छत में गई थी और मैंने सोचा आपको थोड़ा बालकनी का दिखा देती हूँ कि कैसा व्यू हो रखा। एक ही चिड़िया है वो रही है देखो। और इधर की तरफ ना हमारे घर की तरफ यहाँ पे खेत है ना, और यहाँ पे भी इतना पानी भर चुका है, पूरा यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है यहाँ पे। देखो आप लोग, मैं दिखाती हूँ वहाँ जाके, ये देखो वहाँ, ये इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल यहाँ बन चुका है, और ये हमने चिड़ियों के लिए रख रखा है तो ये भी पानी से भर चुका है। ये देखो आप लोग, बंदर क्योंकि बारिश आ रही है, मोबाइल में एकदम बारिश के छिट्टे वगैरह पड़ रहे थे तो मोबाइल मेरा गिल्ला हो जा रहा है। तो चलते हैं अंदर। और मेरे को नहीं लगा था कि मम्मी में एक ही बार में बना देगी पकौड़ी, क्योंकि मम्मी भी बना देती थी तो मेरे को पता ही है, क्योंकि बारिश के समय हम कुछ ना कुछ बनाते रहते पकौड़ी या तो कुछ। और आज मेरा भी मन कर रहा था पकौड़ी वगैरह खाने का। तो चलते हैं, मुझे लगता है मेरी मम्मी ने ना प्याज और आलू काट भी दिए होंगे जितनी देर में बाहर थी, क्योंकि मम्मी बहुत एक्टिव है किचन के काम में। मेरे को बोलती ना मम्मी तो एक घंटे में करता। चलो चलते हैं। चलो अंधेरा हो रहा है काफ़ी। मम्मी ओहो, मम्मी ने तो यहाँ पे काट चुके हैं वे प्याज। मम्मी ने प्याज भी काट चुके हैं और प्याज और आलू मिक्स कर रखे हैं आज। तो आज हमने शॉर्टकट कर दिया काम, नहीं तो मम्मी अलग अलग बर्तनों में रखती है ना बेसन के, अलग अलग कर देंगे बनाएंगे ना। हाँ प्याज के ज़्यादा बनाएंगे। हाँ आलू के थोड़े से। अच्छा ठीक है, आज खाएंगे गर्म गर्म पकौड़ी। हाँ ज़रा एक हाँ फटाफट फटाफट ना, थोड़े से ज़्यादा नहीं है, बस बनते बनते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अभी दिक्कत कम रहे तो थोड़ा कम था ना पहले। मम्मी कितनी जल्दी जल्दी मम्मी ने यहाँ पे काट चुका है प्याज, पहले से छील रखे थे, मुझे लगता है ना सब्जी के लिए पहले से छील देते हम लोग, तब फटाफट हो गया। तो मम्मी तो है ही एक्टिव किचन के काम के लिए, बोलने की देर थी मम्मी ने बना भी दिया। मम्मी एकदम से ऐसा लग रहा जैसे कि ठंडियों का मौसम आ गया होगा। हाँ वही तो मौसम ही चेंज हो रहा है कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पे धनिया भी डाल चुका है और बेसन और पानी मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज और आलू और नमक मिर्च, और यहाँ पे बन चुका है तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारी पकौड़ी। चलो फिर खाएंगे फिर हम सब के सब। चलो मम्मी स्टार्ट रेडी। ये देखो इतने पतले पतले काट रखे हैं यहाँ पे मम्मी ने प्याज, और आलू भी बहुत बारीक तरीके से काट रखे हैं। मैं कब सीखा प्याज बारीक बारीक कटे, आज आंसू आ जाएंगे, मैं तो आधा प्याज ही काटती हूँ मैं। तो मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया, गुड गर्ल। ये तो धनिया हमारे खेत है, ये देखो फ्रेश धनिया का यूज़ करते हैं हम। और यहाँ पे तेल भी रख चुका है मम्मी ने, यहाँ पे डाल चुका है गरम मसाले, और फिर उसके बाद देखते क्या क्या डालती मम्मी। अजवाइन। हाँ हमेशा डालना चाहिए, बच जाता है तब बनावा। हींग तो हमेशा डालते हैं। हाँ हींग तो देख रही हूँ मैं मिक्स करने लग गई। नमक मिर्च हमने इस डब्बे में रखे रहता है ना नीचे, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ हम लोगों ने गरम मसाले रखे रहते हैं और डेली यूज़ में तो यही जो हम लोग यूज़ करते हैं नमक मिर्च, आप लोगों ने डाल देना है हमें टेस्ट के हिसाब से। स्पाइसी बना देंगे नौ जो मिथे ढक्कन नहीं लगा ढक्कन लग चुका है। हाँ
तो हाँ, तो अब यहाँ पे बन चुके हैं हम लोगों ने पकौड़ी स्टार्ट। दिख तो कितना कम रहा था, और ये देखो पूरा यहाँ पे पतीला भर चुका है। अग्निदेव को क्या बचा है? सबसे पहले अग्निदेव को गाय माता के लिए। हाँ, मैंने जिस दिन गुलगुले बनाए थे उस दिन मैंने पहले अग्निदेव को रखा था थोड़ा सा बना के ना, और गाय माता को, फिर अपने आप खाओ। हाँ, मैंने कहा था ना मम्मी को क्या बोलते, मैंने एक ही बार बोला मम्मी ने बना दे, क्योंकि मम्मी का खुद ही मन कर रहा था कुछ बनाने का। मम्मी हम पर हमको बोले तो हमारा सगुर तो एक घंटे में बनता जो भी बनता। तो कितना हुआ? बहुत स्वादिष्ट होती है, हर चीज की बना लो, किसी भी चीज की अच्छी लगती है पकौड़ी। हाँ, हम तो सभी चीची पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं, प्याज आलू पनीर सब चीज की। हाँ, जिसको ठंडे ठंडे मौसम में तो बहुत मजा आ जाता है। मम्मी चटनी है अच्छा ठीक है, हाँ नहीं तो हम तो डेली डेली चटनी बनाते हैं। हरी मिर्च भिजवा दो आप लोग, हमारे घर में हरी मिर्च नहीं है इसलिए आज हम चटनी नहीं खा पा रहे तो आप लोग कुरियर कर दो चाय के साथ, सॉस के साथ, जो भी है एक चीज़ तो चाहिए होती चटनी, या तो कुछ ना कुछ तो एक चीज़ है, मज़ा आएगा। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे घर में पकौड़ी खाने के लिए, ठंड में कोटद्वार में आ जाइए आप लोग भी। मस्त मौसम हो रखा है। कुछ आप भी लेके आओ, कुछ हम भी लेके आएंगे। पहाड़ अच्छा लग रहा, पहाड़ ही नहीं दिख रहा चीती, बारिश हो रही थी। ये थाली भर के यहाँ पे मम्मी ने बना चुकी है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो इसमें कुछ आलू है, और ये देखो ये प्याज लगी दिख रहा है, कितना गर्म है। तो ये प्याज है, ये देखो कितना सारा यहाँ पे बना चुका है फटाफट। ये चली गई थी, मैंने सोचा मम्मी को पहले आराम से बनाने देते हैं, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते। मैं और दोबारा से आ चुकी हूँ, तो मम्मी ने सारी जो पकौड़ियाँ बना चुकी है, प्याज की भी बना चुकी है, आलू की भी। मम्मी चाय भी बनानी है क्या? मम्मी ने तो चाय यहाँ पे रेडी भी कर चुकी हो, देखो चाय की तैयारी हो चुकी है, दूध धोया, चाय सब कुछ रेडी। मैं तो पकौड़े का चा, हाँ दोनों दोस्त है, चाय और पकौड़ी। तो मम्मी ने तो चाय वगैरह भी तैयार कर चुकी है, और मैं पूछ रही हूँ मम्मी चाय बनानी, मम्मी ने तो पहली तैयार कर, ऐसी मम्मी खा नहीं लेगी आपको एक्टिव क्या बोल मम्मी हाँ मेरे को लगा कि बनाई नहीं होगी, तब तक मम्मी ने बना चुकी है। और मैं आपको एक थाली दिखाती हूँ, एक थाली भर के यहाँ पे मम्मी ने सजा भी रखा है, ये देखो इतनी सारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और अभी भी एक बार की रह रखी है यहाँ पे कर रही है मेरी मम्मी। चलो मैं दिखाती हूँ अभी कितने और बच्चे हैं, बाहर की रह चुकी है यहाँ पे पकौड़ियाँ, और बाकी ये रही बाकी पकौड़ियाँ, और उस साइड वहाँ पे चाय की तैयारी भी हो रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाओ हमारे घर में चाय और पकौड़ी खाने के लिए, गरम गरम पकौड़ी खाने के लिए। ये देखो गरम गरम हो गई थी, गरम गरम अभी निकाल रही थी मेरी मम्मी ने कढ़ाई से, और सारे धनिया देखो आप लोग कितना अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा बारीक बारीक। मम्मी ने चाय भी रेडी कर चुकी है, सबसे पहले मम्मी निकाल रही है फीकी चाय दादी के लिए, क्योंकि दादी को शुगर है आप लोगों को पता ही होगा, और यहाँ गिर भी गई है मेरी मम्मी की चाय। बहुत बढ़िया, क्या हो गया इतनी जल्दी जी पकौड़ी खाने के, जल्दी जल्दी बारी बारी आके चाय गिराया। हाँ दादी की चाय पूरी रेडी हो चुकी है, दादी के लिए यहाँ मैंने पकौड़ी भी रख दी है, तो और यहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए भी यहाँ पे चाय रख चुकी है मीठी चाय बना के। तो अब हम लोग खाएंगे यहाँ पे पकौड़ी और चाय, तो मैं पहले दादी को दे के आ जाती हूँ, चलते हैं अब दादी के पास दादी को गरम गरम चाय और पकौड़ी देने के लिए। हाँ दिशी आ जा, तो मैं अपनी बहन को बुला रही हूँ दिशी को, तो अब चलते हैं। देती हूँ मैं दादी को यहाँ पे चाय, दादी ये लो चाय और पकौड़ी खा लो ठंड में। तो यहाँ पे तो मेरी दादी ने भी स्वेटर पहन चुकी है, दादी आपने हेलो फ्रेंड्स नहीं बोला। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, और मौसम कंच? मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, मैं दो दो स्वेटर पहन दी, मैंने भी स्वेटर भी पहन दी, इनर भी गए, ठंड नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बिन मौसम की बारिश है ये, और ठंड में हम पकौड़ी चाय चाय पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं। अभी सुबह नाश्ता करा, हाँ अभी नाश्ता करे, काफी एक डेढ़ घंटा हुआ है बस अभी, और दोबारा से हमारा यहाँ पे दूसरी बार का
नाश्ता स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा ठंड थी तो हम मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी कुछ बना दे, तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है बोल, तो खा लो आप प्याज के हैं ठीक है, आपके आलू की नहीं है हाँ जी, तो खा लो। तो मैं जाती हूँ खाने के लिए, टाटा बाय बाय बाय। सारी खाने लग गई है अब चाय और पकौड़ी, तो अब हम लोग चलते हैं दोबारा से किचन में। ये भी अब खाने लग गई है चाय, तो ये चाय बिल्कुल नहीं पीती है, ये हमारे घर में यही लड़की है। तो यहाँ पे हो चुकी है पापा मिलने और मम्मी के लिए यहाँ पे चाय, और ये रही पकौड़ी। तो चलो फिर आप भी हमारे साथ पकौड़ी खाने के लिए, जा रही हूँ बाहर पकौड़ी खाने के लिए, और मेरे को चाय दे रखी मेरे का, मेरे हाथ में मेरी चाय है, तो वो चलते हैं। ये देखो कैसे खा रहे हैं यहाँ पे सबके सामने, दिखाती हूँ आप लोगों को। स्टोरी में यहाँ पे सॉक्स रख रही है मस्त करके, और ये रही मेरी बहन दिशी खाने लग गई, तो मैं भी खा लेती हूँ यहाँ पे। मम्मी कैसा हो रहा, मैं पूछा सही हूँ जैसे कि मैं नहीं बनाया होगा। चलो फिर आप लोग भी आ जाओ हमारे घर में चाय पकौड़ी और सॉक्स खाने के लिए। दिशी दिखा रही कि मैं भी खा रही हूँ, ये रहे। अब मैं यहाँ पे पकौड़ी और चाय और सॉस के साथ नहीं परी अपना जो ब्लॉग है ख़त्म करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो हमारा आज का जो दिनचर्या आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, छोटा सा काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ओके बाय फ्रेंड्स।